जो इलेक्ट्रो में मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ वो आपके बुक के मध्य में दिया हुआ है, तो उससे घबराना मत कि सर ये अपने को बुक में नहीं मिल रहा है। तो आपकी बुक में आपके कुछ इस बार एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस में ही है। तो जो टॉपिक मिलेगा आपको कोलर ऑफ नीम के बाद में विद्युत अपघटनी शैल और उसको प्रभावित करने वाले कारक वो वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो पिछले क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन की परिभाषा। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे चालक पदार्थ, दो प्रकार के चालक थे, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। उसके बाद में अपन ने इनके बारे में अध्ययन करने के बाद में इनमें क्या किया, अंतर किया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं। और उसके बाद में आपको क्या पढ़ा रहा था, विद्युत अपघटनीय चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने तीन को क्या कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, पर आपके सिलेबस में इसलिए यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं इनकी थ्योरी नहीं लिखवा के तो शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ। तो पहला कारक क्या होता है भाई, अंतर आयनी आकर्षण। विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा होता है, अंतर आयनी आकर्षण। दूसरा होता है आयनों का विलायकीकरण। तीसरा होता है विलायक की श्यानता। और चौथा होता है आपका विलयन की सांद्रता। और पांचवा होता है तापमान। अब मैं इनको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, देखो अंतर आयनी आकर्षण। सबसे पहले कारक की बात करता हूँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर से। अंतर आयनी आकर्षण क्या होगा, यदि आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होगा तो उनके आयन के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या कह सकते हो जितना अधिक आकर्षण होगा उनके आयन की मात्रा क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और आयन की मात्रा जितनी कम होगी चालकता क्या हो जाएगी, उतनी ही कम। तो अंतर आयनी आकर्षण बढ़ने से विद्युत अपघट्य के चालकत्व तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप कह सकते हो अंतर आयनी आकर्षण इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चालकत्व के होता है। आप कह सकते हो कि अंतर आयनी आकर्षण बल आयनों के मध्य जितना अधिक आकर्षण होगा उसके वियोजन की मात्रा उतनी ही कम होगी, और वियोजन की मात्रा जितनी कम होगी चालकत्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो आप कह सकते हो कि अंतरायनी आकर्षण बल बढ़ने से चालकत्व का मान क्या होता है, घटता है। अब बात करते हैं आयनों का विलायकीकरण। देखो आयन और विलायक के मध्य यदि आकर्षण अधिक होगा तो विलायक के अणु क्या करेंगे, आयन के ऊपर चिपक जाएंगे, आयन से बन जाएंगे। तो आयन का आकार क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा आकार का आयन हो जाएगा तो उसका आयनन क्या होगा, बिल्कुल धीमा होगा। आयनन कम हो जाएगा तो चालकत्व क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनी अपघट्य का चालकत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आयनों का विलायकीकरण भी क्या होता है, चालकत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात आयनों का विलायकीकरण बढ़ता है, अर्थात आयन और विलायक के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है तो चालकत्व का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि आयन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट कारक की बात करते हैं, विलायक की श्यानता। देखो विलायक की श्यानता जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा, वियोजन कम होगा। या आप कह सकते हो आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयन की विलायक की श्यानता जितनी, श्यानता मतलब विस्कोसिटी, गाढ़ापन जितना अधिक होगा तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर आयन की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आयन की गति कम हो जाएगी तो विद्युत अपघट्य की चालकत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी विलायक की श्यानता बढ़ने पर भी क्या होता है, चालकत्व तो घटता है। तो चालकत्व तो क्या हो जाएगा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट तो पॉइंट है विलयन की सांद्रता। देखो विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी आयनन की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी, अर्थात विलयन जितना अधिक सांद्र होगा आयनन क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो चालकत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चालकत्व के होगा। ये भी क्या होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चालकत्व के होगा। नेक्स्ट कारक की बात करते हैं ताप। देखो तापमान बढ़ने पर अपन ने पढ़ा था, जब विद्युत अपघट्य चालक चालक पढ़े थे तब एक बात पढ़ी थी कि तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य चालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ती है। तो तापमान बढ़ाओगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, और आयनन की मात्रा बढ़ेगी या वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकता
विलायक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है तो विलायक के अणु क्या करेंगे, अधिक तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे, तो उनका आयनन वियोजन बढ़ने के कारण चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया भाई, चालकता के हो गया। ये क्या हो गया भाई, पांच कारक होते हैं विद्युत अपघटनी अपघट्य के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अंतर आयनी आकर्षण, तो आयनों के मध्य जितना अधिक आकर्षण होगा, उस आयनों के मध्य जितना अधिक आकर्षण होगा तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और विद्युत अपघट्य का आयनन क्या होगा, कम होगा, और आयनन कम होगा तो चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है आयनों का विलायकीकरण, अर्थात आयन और विलायक के मध्य जितना अधिक आकर्षण होगा तो आकर्षण के कारण विलायक के अणु किसके ऊपर जुड़ जाएंगे, आयन के ऊपर, तो आयन का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आयन का आकार बड़ा हो जाएगा तो उसको गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, तो चालकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा विलायक की सांद्रता, यदि विलायक की सांद्रता बढ़ जाती है तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आयनों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो चालकत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता, देखो विलयन की सांद्रता बढ़ने पर आयनन या वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, इस कारण से चालकत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए अपन कहते हैं ना विलयन को तनु करने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। और लास्ट होता है तापमान, तापमान में देखो क्या होता है, तापमान बढ़ाओगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकत्व बढ़ेगा। और असल में होता क्या है, तापमान बढ़ाने पर विलायक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण आयन की मात्रा बढ़ जाती है और चालकत्व का मान बढ़ जाता है। तो ये पांच फैक्टर थे विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन। देखो विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है विद्युत अपघटनी सेल में, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटनी सेल कैसे होता है, किस तरह से कार्य करता है और क्या क्या उसके अंदर होते हैं। तो देखो इस तरह से एक बॉक्स होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसके अंदर क्या भरा होता है, विलयन भरा होता है। विद्युत अपघट्य का क्या भरा होता है भाई, सॉल्यूशन भरा होता है, विलयन भरा होता है। एक इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं भाई, कैथोड बोलते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, एनोड कहते हैं। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसा होता है भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और राइट साइड वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये कैसा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसा होता है भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। देखो पॉजिटिव पे कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव इधर आएंगे, इधर नेगेटिव, नेगेटिव और इधर कौन से आएंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव पे कौन से आयन जाएंगे भाई, धनायन जाएंगे। ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन, जिसका भी आप सेल बनाना चाहते हो, ये क्या हो गया, विद्युत अपघट्य का विलयन। ये क्या हो गया, विद्युत अपघट्य का विलयन। ये ऊपर क्या जुड़ी होती है भाई, इसके बैटरी जुड़ी होती है। ये क्या होती है, बैटरी जुड़ी होती है। इस तरह से क्या होती है भाई, विद्युत अपघटनी सेल की बनावट होती है। और ये क्या होते हैं, धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिस भी जिसके लिए आप बना रहे हो, जैसे कॉपर के लिए बना रहे हो तो कॉपर के इलेक्ट्रोड जाएंगे, प्लेटिनम के बना रहे हो तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, दोनों इलेक्ट्रोड। ये क्या हो गया, विद्युत अपघटनी सेल।
देखो विद्युत अपघटनी शैल में क्या होते हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके अंदर क्या भरा होता है, विद्युत अपघटक का विलयन। जिसका भी आप शैल बनाना चाहते हो उसका क्या हो जाएगा, विलयन। लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को या बाएं वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड, और दाएं इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जैसे विलयन के अंदर विद्युत अपघटक की नेगेटिव भाग का नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, एनोड के ऊपर, और पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर। भाई पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा तो पॉजिटिव पर आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर, नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, अपचयन। कैथोड के ऊपर क्या होता है भाई, अपचयन होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, अपचयन, और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। तो मान लो एक उदाहरण लेते हैं अपन, ये कैसे क्रिया करता है, कोई भी सेल किसके ऊपर क्रिया करता है, ऑक्सीकरण अपचयन प्रोसेस के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, अपचयन होगा। जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होते हैं, अर्थात डेल्टा जी का मान क्या आता है इनके लिए, पॉजिटिव आता है। तो देखो होता है क्या है, मान लो आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है कॉपर सल्फेट का, तो उसमें क्या कर रखा है, इस सेल के लिए दोनों क्या लिए उसने, कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए, कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए। तो कॉपर का ही क्या है, एनोड है, कॉपर का ही क्या है, कैथोड है। देखो एनोड जिस धातु का बना होता है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैथोड जिसका होता है उसका क्या होगा, अपचयन। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो ये इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ेगा, धातु विलयन में, इस विलयन में, सो विद्युत अपघटक के विलयन में, और ये कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे। तो समय के साथ एनोड वाले जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड क्या होता जाता है, मोटा हो जाता है, अर्थात थिक होता जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अशुद्ध धातु का तो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है, और शुद्ध धातु का कौन सा होता है, कैथोड होता है। अशुद्ध धातु का कौन सा होता है, एनोड, और शुद्ध धातु का कौन सा होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। तो समय के साथ में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो विद्युत अपघटनी शैल में शुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड से प्राप्त होती है, तो आप कहोगे कैथोड से क्या प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो क्योंकि कैथोड के ऊपर जो एनोड से आपने अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड लिया है, एनोड ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होकर इसके आयन किस में जाएंगे, विलयन में, और ये बैटरी के द्वारा कहां पे चले जाएंगे, पॉजिटिव आयन किसके ऊपर निक्षेपित हो जाएंगे, इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन विलयन में आ रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी, धातु की परत क्या होने लग जाएगी, निक्षेपित होने लग जाएगी। तो कैथोड पे क्या होगी, कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन समय के साथ क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और ये क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। इस तरह से ऑक्सीकरण अपचयन प्रोसेस के आधार पर क्या करता है, विद्युत अपघटनी सेल। दोबारा से सुनो, एक कंटेनर होता है उसके अंदर विद्युत अपघटक विलयन भरा रहता है। अब जिसका भी आपको सेल बनाना है उसके लिए उसके हिसाब से क्या लेओगे आप, उसका विलयन लेओगे। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, बाएं वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड, और दाएं वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव आवेश, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव आवेश। एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, अपचयन होता है। ऊपर इन दोनों सेल को एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, या बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो अब होता है क्या है, जब आप इसमें कौन सी प्रक्रम के द्वारा अभिक्रिया चलती है, ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा। यदि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पे क्या होगा भाई, अपचयन होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो एनोड वाले इलेक्ट्रोड क्या होगा, समय के साथ थिक होता जाएगा, थिन होता जाएगा, अर्थात पतला होता जाएगा, जबकि कैथोड वाला कैसा होता जाएगा, ठीक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो धातु आयन निकल रहे हैं वो कहाँ निक्षेपित होंगे, कैथोड के ऊपर, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, समय के साथ मोटा होता जाएगा।
इस तरह से कैथोड वाला इलेक्ट्रोड किसका बन जाता है, शुद्ध धातु का, और एनोड का इलेक्ट्रोड अपन लेते हैं किसका, अशुद्ध धातु का। तो ये किसकी बनावट हो गई, विद्युत अपघटनीय चालन की। अपन एक उदाहरण लेके मैं आपको बताऊंगा कि एनोड पे ऑक्सीकरण किस तरह से होता है, कैथोड पे किस तरह से होता है। तो ये हो गई इसकी बनावट, इसके बारे में अपन टिप्पणी लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, डायग्राम को बात करते हैं इसकी प्रवृत्ति। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है उसे वैद्युत अपघटनी सैल कहते हैं। जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भाई, विद्युत अपघटनी सैल कहते हैं। इस सैल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं सल्फर अप्रवर्तित प्रकृति की होती है, अर्थात डेल्टा जी क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो इस सेल में जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, स्वतः अपरिवर्तित प्रकृति की होती है, अर्थात डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस सेल में वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिया जाता, इस सेल में क्या लिया जाता है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिया जाता है, जिसमें धातु के क्या लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। धातु में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, जिस भी धातु का आप सेल बनाना चाहते हो उसके क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को
बांद्रा टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में किससे जोड़ दिया जाता है भाई? बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड तथा धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। एनोड कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो एनोड पर कौन आएंगे? एनआई। एक बार इसको नोट करो, सबसे पहले एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कैसी होती है भाई? स्वतः अपरिवर्तित प्रकृति की होती है, अर्थात डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव। इस सेल में विद्युत अपघटन का जलीय विलयन होता है जिसमें क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से क्या कर दिया जाता है? आपस में जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड तथा ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। एनोड कैसा होता है भाई? धनात्मक। और कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड पर ऋणायन तथा कैथोड पर धनायन विसर्जित। एनोड पर ऋणायन तथा कैथोड पर धनायन विसर्जित होते हैं। अतः अपोजिट आवेशित आयन आएंगे तो एनोड कैसा होता है? धनात्मक। तो इसके ऊपर क्या आएंगे? ऋणायन। और कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक। तो इसके ऊपर क्या आएंगे? धनायन। एनोड पर क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। देखो ये क्या थी? जनरल बातें किसके बारे में? विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। अब एक एग्जांपल लेंगे अपन, उसके बारे में बताएंगे कि एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है, कैथोड पर क्या होता है और आगे क्या प्रोसेस होता है। तो देखो एनोड कैसा होगा? धनात्मक। और कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक। और एनोड पर क्या आते हैं? ऋणायन। और कैथोड पर क्या आते हैं? धनायन विसर्जित होते हैं। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है। और किस प्रकृति की होती है? डेल्टा जी बराबर क्या आता है? पॉजिटिव। एक विद्युत अपघटनी टैंक होता है जिसके अंदर क्या होता है? विद्युत अपघटन का जलीय सॉल्यूशन भरा रहता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लटके रहते हैं। इलेक्ट्रोड को आपस में किससे जोड़ते हो? बैटरी के द्वारा जोड़ते हो। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड और ऋण टर्मिनल से जुड़ा क्या कहलाएगा? कैथोड। अर्थात एनोड कैसा होगा? धनात्मक। और कैथोड कैसा होगा? ऋणात्मक। एनोड पर ऋणायन और कैथोड पर क्या क्या होंगे? धनायन विसर्जित होते हैं। तो एनोड पर क्या प्रोसेस होता है? ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है।
जलीय विलयन का महत्व अवगतन। एग्जाम्पल की बात करते हैं ऊपर सल्फेट के जलीय विलयन का महत्व अवगतन। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं। तो देखो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस में भरा होगा, सेल में भरा होगा, और कॉपर सल्फेट के क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे। एनोड भी कॉपर का ही होगा, कैथोड भी क्या होगा, कॉपर का होगा। और एनोड क्या होगा, अशुद्ध कॉपर का, और कैथोड क्या होगा वहां पे, तो एनोड के ऊपर क्या होगा ऑक्सीकरण, और कैथोड के ऊपर क्या होगा अपचयन होगा। अर्थात जो आपका शुद्ध कॉपर है वो किसके ऊपर निक्षेपित होगा, कैथोड के ऊपर। तो इनका उपयोग औद्योगिक प्रक्रमों के लिए लिया जाता है कॉपर की शुद्धिकरण में, इसी तरह सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए इनका उपयोग किया जाता है विद्युत अपघटनी सेलों का। तो एनोड किसका बना दिया जाता है, अशुद्ध धातु का, और कैथोड कैसा बन जाता है फिर शुद्ध धातु का। तो देखो वहां पे कैथोड के ऊपर क्या जम जाएगा, शुद्ध कॉपर, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कॉपर। तो अपन ये देखते हैं कैथोड के ऊपर किस तरह से अभिक्रिया होगी, किस तरह से इसका आयन होता है और ये होता है। तो ये क्या होगा विद्युत अपघटन। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर सल्फेट के जरिए विलयन का विद्युत अपघटन कैसे होता है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4H1 ये किस में टूटेगा भाई, कॉपर प्लस टू प्लस SO4-2 में। किस में टूटेगा भाई, कॉपर प्लस टू और SO4-2 में। अब बात करते हैं एनोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होगी और कैथोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होगी। एनोड के ऊपर क्या होगी और कैथोड के ऊपर क्या होगी, तो देखो सबसे पहले एनोड के ऊपर, एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण। तो कॉपर किस में जाएगा, कॉपर ठोस किस में जाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस टू एक्वस में जाएगा, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीकरण। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, कॉपर प्लस टू एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। ये किसमें हो जाएगा भाई, अपचयन। तो देखो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विलयन में क्या दे रहा है, कॉपर प्लस टू आयन। लेकिन कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस टू आयन किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, मतलब ठोस कॉपर में। तो यहाँ पे देखो आयन प्राप्त हो रहा है आपको, ये रोड ये इलेक्ट्रॉन समय के साथ क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक होता जाएगा। तो इस तरह से कैथोड पर क्या होगा अपचयन, और एनोड पर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। देखो कॉपर सल्फेट का आयन होगा तो क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्लस टू SO4-2। तो कॉपर प्लस टू किसके ऊपर जाएगा, द पॉजिटिव आयन किसके ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर। नेगेटिव आयन किसके ऊपर जाएगा, एनोड के ऊपर। तो एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण। देखो ये कॉपर प्लस टू में बदल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड पर क्या हो जाएगा अपचयन। ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, कॉपर धातु। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, कैथोड के ऊपर निक्षेपण हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन समय के साथ में क्या हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का यूज फैक्ट्रियों के अंदर करते हैं अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए। सेल में क्या लेते हैं, दो कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा होता है, विलयन कर रहा होता है, आयनन इस तरह से होता है। तो डनायन किसके ऊपर जाएंगे, कैथोड के ऊपर। डनायन किसके ऊपर आएंगे, एनोड के ऊपर। एनोड पर यह अभिक्रिया होगी, कैथोड पर क्या होगी, ये अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे एक चीज पूछते हैं कि एनोड पर क्या अवक्षेपित होता है, कैथोड पर क्या अवक्षेपित होता है। तो ये सेल पढ़ने के बाद में मैं आपको फैराडे के लोग बताने के बाद में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट ऊपर विद्युत अपघटन के उत्पाद, अर्थात कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है, ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, गलित कॉपर सल्फेट दे दे, या NaCl का दे दे, HCl का दे दे, तो कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। अगर आपको दे दिया जाए कि NaCl का विद्युत अपघटनी सेल, तो क्या बना होगा भाई, NaCl का जलीय सॉल्यूशन भरा होगा, दो इलेक्ट्रोड होंगे। NaCl
NaCl के इलेक्ट्रोड किसके लिए जाते हैं? प्लेटिनम धातु के लिए जाते हैं। तो NaCl का आयन विलयन में कैसे हो जाएगा भाई? NaCl गलित और क्या हो जाएगा भाई? Na प्लस प्लस Cl माइनस में क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। अब देखो एनायन किधर जाएंगे? कैथोड की ओर, और एनायन किधर जाएंगे? एनोड की ओर। तो Cl माइनस कहां जाएगा? एनोड पर। Na प्लस कहां जाएगा? कैथोड के ऊपर जाएगा। एनोड पर वही क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होगा भाई? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो Cl माइनस किस में जाएगा? Cl क्लोरीन गैस में, और यहां से क्या मुक्त हो जाएगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इसी तरह कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। और सोडियम आयन किस में परिवर्तित हो जाएगा? Na प्लस क्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा भाई? सोडियम धातु बना लेगा। तो इस तरह से Cl माइनस कहा जाएगा? एनोड के ऊपर। सोडियम कहा जाएगा? कैथोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर क्या मुक्त होगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? सोडियम आयन, सोडियम प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से किसका होता है? NaCl का विद्युत अपघटन। NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस आयन में। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो क्लोरीन किस में परिवर्तित हो जाएगी? क्लोरीन गैस में, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इसी तरह से कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? सोडियम धातु प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन की मात्रात्मक पक्ष की, अर्थात मैथमेटिकली किसने प्रूफ किया वो? तो विद्युत अपघटन की क्रिया देखिए अपन ने, किस तरह से सेल में क्रिया होती है, किस किस का सेल बना होता है, किस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों पे क्या क्रिया होती है। पर लेकिन अपन मैथमेटिकली पढ़ते हैं कि मात्रात्मक पक्ष क्या है। तो देखो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत अपघटन के लिए क्या मात्रात्मक पक्ष में क्या दिए काम किया। तो उसने अपने दो नियम दिए, माइकल फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो अपन पहला सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम। क्या भाई? फैराडे का प्रथम नियम। तो विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम। देखो फैराडे ने अपना पहले नियम में क्या कहा था? इस नियम के अनुसार क्या कहा था कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अर्थात क्या बोला उन्होंने? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती हो।
विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ एकत्रित हो रहा है वो किसके समानुपाती होगा, जितनी आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो। अर्थात आप कह सकते हो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। W क्या हो गया भाई, यहाँ पे एकत्रित पदार्थ, एकत्रित पदार्थ की मात्रा। W क्या हो गया भाई, एकत्रित पदार्थ की मात्रा। और Q क्या है भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा या आवेश। तो आप यहां से क्या कर सकते हो भाई, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT। क्योंकि Q बराबर क्या होता है भाई, आवेश बराबर क्या होता है, धारा इनटू समय। तो Q का मान जब रखोगे आप IT, तो W क्या हो जाएगा, धारा इनटू समय के गुणनफल के समानुपाती। मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटा रहा हूं, W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। W बराबर क्या हो जाएगा भाई, ZIT। यहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, समय। I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, और T क्या है यहाँ पे, समय। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई, Q के। और W क्या है यहाँ पे, एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है, विद्युत धारा की मात्रा है। आप कह सकते हो विद्युत धारा की मात्रा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, T क्या है, समय। तो आप कह सकते हो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT। इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हो एक स्थिरांक आता है, ये क्या होता है, W बराबर ZIT। Z क्या है यहाँ पे, एक स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्य। तो फैराडे ने अपना प्रथम नियम क्या दिया था भाई, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, और क्यू का बराबर क्या होता है भाई, IT। तो आप कह सकते हो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT। समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो एक स्थिरांक आएगा, वो क्या, W बराबर ZIT। Z क्या है यहाँ पे, नियतांक या विद्युत रासायनिक तुलना। I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा। T क्या है, समय। Q क्या है, विद्युत धारा की मात्रा। W क्या है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा। अभी अपन ने क्या फॉर्मूला प्राप्त किया था, W बराबर ZIT। W बराबर क्या प्राप्त किया था, ZIT। यहाँ पे Z क्या है, नियतांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है भाई, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यदि इफ I बराबर धारा बराबर क्या हो भाई, एक एम्पियर, और T बराबर टाइम बराबर क्या हो, एक सेकंड हो, तो इस समीकरण में यदि I बराबर एक एम्पियर और टाइम क्या कितना हो, एक सेकंड हो, तो क्या हो जाएगा भाई, I और T का मान एक एक रखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर Z। ये क्या आ गया भाई, W बराबर Z। तो आप कह सकते हो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि एक एम्पियर की धारा एक सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो उसके किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कह सकते हो अतः किसी विद्युत
घटते कि विलियन में एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसके किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो किसी विद्युत अपघटक के विलयन में एक एम्पीयर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब यहां से देखो, जेड का आपको मात्रक निकालना हो तो डब्ल्यू बराबर क्या रखा था अपन ने, जेड आई टी। तो यहां से आप कह सकते हो जेड बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन आई टी, डब्ल्यू अपॉन आई टी। डब्ल्यू की यूनिट भार में होगी किसमें, ग्राम, आई क्या और किसमें होता है एम्पियर में, और टाइम किसमें होता है भाई सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम एम पर एम्पियर सेकेंड इनवर्स, ये किसकी हो जाएगी, जेड की यूनिट। तो ये किसकी हो जाएगी भाई, ग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड किसकी हो जाएगी, जेड की, जेड का मात्रक। ये क्या हो जाएगा भाई, आपके विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक हो जाएगा। आपने जो फॉर्मूला प्राप्त किया था डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, यहाँ पे यदि आई का मान क्या रख दो आप एक एम्पीयर, टाइम कितना रख दो एक सेकंड, तो डब्ल्यू बराबर जेड हो जाएगा। यहाँ से आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा निकाल सकते हो। आप कह सकते हो अतः किसी विद्युत अपघटक के विलयन में एक एम्पीयर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, जेड आई टी, और जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन आई टी। आप कह सकते हो ग्राम, इसकी जेड की यूनिट निकालनी हो तो क्या हो जाएगी भाई, भार किसमें होता है ग्राम में, धारा किसमें होती है एम्पियर में, टाइम किसमें होता है सेकंड में। तो ग्राम पर एम्पियर पर सेकंड क्या हो जाएगा, जेड का मात्रक। ये किसका मात्रक है भाई, यूनिट को जेड आप कह सकते हो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस तरह से फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए अपना प्रथम नियम दिया था और उसके आधार पर किसको परिभाषित किया था इसने, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो प्रथम नियम क्या था, किसी विद्युत अपघटक के विलयन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, क्यू। या आप कह सकते हो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टी, क्यू बराबर क्या होता है आई टी। तो यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो क्या जाएगा, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी। डब्ल्यू क्या है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा, क्यू क्या है आवेश विद्युत धारा की मात्रा, आई क्या है धारा, टी क्या है समय, जेड क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आप कह सकते हो नियम था, जब एक एम्पियर धारा बराबर एक एम्पियर लो, टाइम बराबर एक सेकंड लो, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा जेड। अर्थात किसी विद्युत अपघटक के विलयन में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक यहाँ से आ जाएगा ग्राम पर एम्पियर पर सेकंड।
अब देखो बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे ने प्रथम नियम दिया था, उसके बाद में फैराडे ने क्या दिया था, द्वितीय नियम। तो फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में क्या कहा था कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर या इलेक्ट्रोडों पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांक की भारों की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये क्या था, फैराडे का द्वितीय नियम था। तो आप कह सकते हो विभिन्न विद्युत अपघट्यों पर विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले प्रवाहित समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांक की भारों में क्या होती है, समानुपाती होती है। उनके
आपको समीकरण क्या प्राप्त हुए, दो एक और दो, डब्लू वन बराबर जेड वन क्यूब और डब्लू टू बराबर जेड टू क्यूब। ये समीकरण एक था, ये समीकरण क्या था, दो। तो समीकरण एक में दो का भाग देने पर समीकरण एक में आपने क्या दिया, दो का भाग, तो क्या हो जाएगा भाई, डब्लू वन बटे डब्लू टू बराबर क्या हो जाएगा, जेड वन क्यूब बटे जेड टू क्यूब, क्यू से क्यू गया तो क्या हो जाएगा भाई, डब्लू वन बटे डब्लू टू बराबर जेड वन बटे जेड टू। यहाँ से आप क्या आ गया, डब्लू वन बटे डब्लू टू बराबर जेड वन, आपको जेड वन बराबर जेड वन, चूंकि जेड बराबर क्या होता है भाई, ई अपॉन एफ, ई यहाँ पे क्या है तुल्यांक की बात, एफ क्या है फैराडे नियता। देखो एफ का मान क्या होता है 56,500, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो क्या कहलाता है, फैराडे नियतांक कहलाता है। तो एफ, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा भाई, एफ क्या है एक नियतांक, तो जेड वन बराबर क्या हो जाएगा, ई वन बटे एफ, और जेड टू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई टू अपॉन एफ, जेड टू बराबर क्या हो जाएगा, ई टू अपॉन एफ। W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बटे F बटे E2 अपॉन F, तो F से F गया, तो यहाँ पे W1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2, W1 बराबर W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। E क्या है यहाँ पे तुल्यांक की भार, E क्या है यहाँ पे तुल्यांक की भार, F क्या है यहाँ पे फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। तो यहाँ से आपने प्राप्त कर लिया W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। तो आपने ये तो कहा था किसके बराबर होता है, उनके तुल्यांक की भारों के बराबर होता है। तो आपने यहाँ से क्या किया, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है E के, और E क्या है, E किसके समानुपाती हो गए भाई, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z के, और Z किसके समानुपाती हो गया E के। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि किसी विद्युत अपघटक का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उनके तुल्यांक की भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आप यहाँ से क्या कह दोगे, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है। तो W किसके समानुपाती हो गया भाई, E के यहां से, और E किसके समानुपाती हो गया, Z के। कैसे हो गया, अपन ने क्या लिखा था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z। तो जब W E के समानुपाती है तो E किसके समानुपाती हो जाएगा, Z के, या Z किसके समानुपाती हो जाएगा, E के हो जाएगा। तो किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक की भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समीकरण एक और दो को अपन ने जब डिवाइड किया आपस में तो क्या प्राप्त हो गया, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2। अब Z का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान क्या होता है भाई, E अपॉन F। E क्या है यहाँ पे तुल्यांक की भार, और F क्या है फैराडे नियता, जिसका मान होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे Z1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बटे F। F क्योंकि नियतांक इसलिए दोनों के लिए समान रहेगा, Z2 बराबर E2 अपॉन F। ये मान रखोगे तो W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। तो यही सेकंड नियम था कि इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भार के क्या होती है, समानुपाती। तो ये आ गया, तो यहाँ पे आप कह सकते हो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, या आप कह सकते हो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z, क्योंकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Z के। तो ये क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z। तो किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक की भार के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है।
अब देखो एग्जाम के पॉइंट जो उनसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको या तो डायरेक्ट फैराडे के नियम पूछ सकता है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है या फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, और आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो क्या पूछेगा वो, किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की निक्षेपित मात्रा। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या होता है, W बराबर I इंटू टी इंटू ई बटे एन इंटू एफ, यह क्या हो जाएगा भाई पदार्थ की मात्रा आई टी ई अपॉन एन इंटू एफ। देखो I क्या है, विद्युत धारा इसमें एम्पियर में, टी क्या है समय इसमें है भाई सेकेंड में, ई क्या हो गया तुल्यांक की भार, एन क्या हो गए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या होगी भाई त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या है यहाँ पे फैराडे नियतांक, तो इसका मान यदि पेपर में देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है 56,500। एक फैराडे नियतांक का मान एक फैराडे बराबर कितना होता है 56,500। देखो एक फैराडे बराबर क्या होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक फैराडे बराबर क्या होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक मोल मतलब Na इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, Na इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और Na का मान कितना होता है 6.03 इंटू अवाहक संख्या 10 की पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इनको सोल्व करते हो तो ये लगभग कितना आता है 56,500 के आसपास आता है। तो एक फैराडे बराबर आ गया एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक फैराडे बराबर लगभग कितना आता है 56,500। तो किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की निक्षेपित मात्रा कैसे निकालते हैं भाई, W बराबर आई टी ई इन बटे एन एल। यहाँ पे देखो W I क्या है विद्युत धारा की किसमें है एम्पियर में, T क्या है समय सेकेंड में, E क्या है तुल्यांक की बार, N क्या है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कॉपर दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के लिए एक लोगे कॉपर के लिए, वो रिएक्शन के आधार पर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करोगे कितना त्याग रहा है या कितने ग्रहण कर रहा है। F क्या हो गया फैराडे नियतांक, और फैराडे नियतांक का मान कितना होता है 56,500। तो एक फैराडे बराबर क्या होता है भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा भाई Na इंटू ई, सो अवगाहक संख्या का मान कितना होता है 6.03 इंटू 10 की पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19। तो ये कितना हो जाएगा 56,000 लगभग आएगा, ये 56,400 कुछ आएगा, लेकिन आप मान सकते हो इसको लगभग 500 कूलम एक फैराडे बराबर कितना होता है। तो ये फॉर्मूला क्या है इंपोर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपसे कह रहा है कॉपर सल्फेट 1 मिलियन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक क्या किया गया विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान या भार क्या होगा। अभी आपको फॉर्मूला लगाया उससे इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो निक्षेपित भार क्या हो जाएगा भाई, निक्षेपित भार या द्रव्यमान W बराबर क्या लिखा था अपन ने आई टी ई बटे एन एफ। अब देखो धारा कितनी है, आई का मान कितना दिया है यहाँ पे 1.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, मिनट को किसमें चेंज करना है भाई सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 600 सेकंड। ठीक है, कॉपर सल्फेट का तुल्यांक की भार कितना होता है भाई 63.5,
या आप कह सकते हो 63 भी मान सकते हो। एंड क्या हो गए, यहाँ पे एफ फैराडे नियतांक कितना होगा 56,500 कूलम। ठीक है, अपन बात करते हैं एंड की। एंड क्या होगा, देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होगा, कॉपर किसमें जाएगा, CuSO4 किसमें टूटेगा भाई, कॉपर प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो कॉपर सॉलिड किसमें जा रहा है, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे N का मान कितना हो जाएगा भाई, 2। कॉपर सल्फेट किसमें टूटेगा, इसलिए N का मान कितना हो रहा है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लेने होगा। तो यहाँ पे एन का मान कितना आ जाएगा, 2। अब ये सभी मान आपको किस में रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखने हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, निक्षेपित द्रव्यमान। तो W बराबर क्या रखोगे भाई, आई का मान कितना है, 1.5। W बराबर आई का मान कितना हो गया भाई, 1.5 इंटू टाइम कितना हो गया, 600 सेकेंड। पी कितना है, 63.5। और ये एन का मान कितना है, 2। फैराडे का मान कितना होता है, 56,500 कूलम। जब आप इनको क्या करते हो, गुणा भाग करते हो, तो लगभग आपका आंसर आता है 0.296 ग्राम के आसपास आता है। तो आपका निक्षेपित भार कितना आएगा भाई, 0.2। अब देखो क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला लगाओ, आई एम्पियर में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए, तुल्यांक की बार आपको पता होना चाहिए, एन क्या होंगे, त्यागेंगे या ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन, एफ क्या होगा, फैराडे नियतांक, एफ का मान 56,500, आई दे रखा है 1.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करो, तुल्यांक की बार कितना है यहाँ पे 63.5, एफ का मान 56,500 कूलम है ये। एन का मान देखो कॉपर सल्फेट का आयन कैसे हुआ, कॉपर प्लस 2 प्लस SO4 माइनस में। तो यहाँ पे कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सल्फेट आयन क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पे कितने का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 2। जब फॉर्मूले में इन सबका मान रखोगे तो कितना बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 0.296 ग्राम आ जाएगा। देखो पहला तो क्या पूछ सकता है, पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। आपको कह रहा है यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, अर्थात आपको क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो आई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है भाई, 2 घंटे। घंटों को किस में चेंज करो आप, मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 को किस से मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर से सेकंड में करोगे, मिनट को सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ गए भाई आपके, 3600 घंटे हो गए। ये कितने हो गए भाई आपके, 7200 क्या हो गए, घंटे, 6 6 36 36 72 7200। अब देखो आवेश, टोटल आवेश कितना हो जाएगा भाई, क्यू बराबर आई जी, आई का मान 0.5 एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा, डी का मान कितना है, 0.75। अब देखो चूंकि अपन जानते हैं एक फैराडे बराबर कितना मान होता है, 56,500 कूलम, तो एक फैराडे में किसके बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। चूंकि 56,500 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6.023 × 10³⁷ इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसलिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 6.023 × 10³⁷ 56,500 इतने हो जाएंगे भाई, 56,500 में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम में कितने हो जाएंगे, अपना आवेश कितना है, ये कितना आ जाएगा भाई, 0 0 0 7 35 1 36 3600 कूलम आवेश आ गया, इसलिए
300 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितनी होगी भाई? 6.023 × 10³ बटे 4500 × 3600, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इनको सोल्व करोगे तो लगभग ये आ जाएंगे 2.246 × 10³ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है। आपको धारा का मान दिया हुआ है, टाइम को किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा, 2 घंटे का, 7200 सेकंड। फिर क्या निकाल लो, आवेश क्यू बराबर कितना होता है, आई टी, आई का मान दे रखा है, टी का मान आपने निकाले तो कितना आ गया 3600 कूलम। चूंकि 1 फैराडे बराबर कितना होता है भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है 56500 कूलम। तो 56500 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए Na के बराबर, तो 1 कूलम में कितने हो जाएंगे Na 6.023 × 10³ बटे 56500, तो 3600 कूलम में कितने हो जाएंगे 6.023 × 10³ बटे 56500 × 3600, तो कितना हो जाएगा भाई 2.246 × 10³ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी काउंट करवा सकते हैं। आज की क्लास यहाँ तक होगी, नेक्स्ट क्लास आगे वाले लेक्चर में। तो आप ये टॉपिक आपके बुक के चैप्टर के मध्य में दिया हुआ है, तो आप ये कंफ्यूज होके मत हो जाना कि सर ये हमारे बुक में नहीं रहा है, जो आपके सिलेबस में है मैं वही पढ़ाऊंगा। तो ये बीच में दिया हुआ है, ये पोर्शन मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है बैटरी वाले पोर्शन से पहले दिया हुआ है। तो थैंक यू, आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।